नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बेहद गंभीर और बड़ा आरोप लगा डाला है। मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने दंगा भड़काया, हिंसा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री का हाथ भी बताया। उन्होंने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मंत्री रुद्र गुरु और विधायक कविता प्राण लहरे का नाम तक ले डाला। दयालदास बघेल ने कहा कि सतनामी समाज के आयोजन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का काम क्या था। कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10,000 लोगों का भोजन बनवाया था। उन्होंने गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि न्यायिक जांच के बाद कार्रवाई होगी। आयोजन में मंच पे ये देवेंद्र यादव विधायक, उसका क्या काम था? उन्होंने मंच में बैठे रहा और लोगों को भड़काने का काम किया। ये पूर्व मंत्री रुद्र उस मंच में था और साथ ही साथ एक विधायक, महिला विधायक को भी मंच में, कविता प्राण लहरे ये भी मंच में थी। और इस तरह समाज को बलगलाया गया और भड़काया गया। अब बताइए, जो आयोजन सतनामी समाज का है उसमें यादव जो विधायक है उसका क्या काम है? ऐसे बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग भड़काऊ भाषण भी दिए और समाज को उकसाने का भी काम किया गया। इस तरह सतनामी समाज के द्वारा तोड़फोड़ उपद्रवी कर ही नहीं सकते ऐसे शांति समाज में, लेकिन कुछ प्रकट सामने से और कुछ लोग अंदर से इस अंजाम को लोगों को भड़का करके किया गया है। हकीकत में काफी क्षति और काफी नुकसान हुआ है और मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्र गुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। और बताइए, 15,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था भी किया गया था और इतना बड़ा टेंट भी लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हार हुए उसे पचा नहीं पा रहे हैं और इस तरह से घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आज जो न्यायिक जांच का मांग था वो भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरा कर लिया गया है और स्पष्ट रूप से जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। तो आपने सुन लिया कि मंत्री दयालदास बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। और इस वक्त अमित श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे इस पूरे मामले पर जवाब ले लेते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके नाम ले लेकर इस गंभीर मामले पर गंभीर आरोप लगाए गए कि दंगा भड़काने का काम कांग्रेस ने किया। अमित जी, देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक समरसता का गढ़ है और छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना, सामाजिक समरसता का गढ़ है, ये बाबा घासीदास की भूमि है और कबीरपंथी यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में रहते हैं और लगा छत्तीसगढ़ में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी किसी भी हिंसक घटना का हम ना व्यक्तिगत ना कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है और हम इसकी कठोर शब्दों में कोई भी हिंसा की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का आरोप ये लगाया गया, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि आप आरोप पे आरोप लगाने के लिए, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपको पता नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा कैसे हो रहे हैं। पुनीत जी, ये सीधा सीधा प्रशासन शासन वहां पर है ही नहीं क्या? आप एक चीज बताइए। और जिस प्रकार से हमने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में हमने कभी इस प्रकार की घटना नहीं देखी और जिस प्रकार से इनके कार्यकाल में देखने से पहले ही अभी इनके मंत्रीगण आके आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेसी इन्वॉल्व थे वहां पर, तो मैं आपको बता दूं, जांच से पहले आपने फैसला दे दिया कि वहां पर कौन कौन इन्वॉल्व थे। मतलब कहीं आपका ये मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है कि किसी की इमेज को टर्निश करना, किसी की छवि को धूमिल करना।
अरे आपने जांच कमेटी बनाई है, अब जुडिशियल इंक्वायरी आपने बैठाई है, आंधी जो उसकी रिपोर्ट, उसके पहले ही आके इस प्रकार का आरोप लगाना, मुझे लगता है कि भाजपा ही भौंकला गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, अपना फेलियर छुपाने के लिए। जिस प्रकार से मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पुनीत जी ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि एसपी और कलेक्टर ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। ये जिम्मेदारी से बच रहे हैं, सीधा सीधा मैं आपको इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये उरूज उलाके लोगों दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं मंत्री, और तीन लोगों का बाकायदा नाम लेकर जिक्र कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि सतनामी समाज के कार्यक्रम में इन लोगों का काम क्या, देवेंद्र यादव का काम क्या। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, यह समरसता का गढ़ है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में हम सब कहते हैं ना कि आपस में मिलके रहते हैं। और उस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने एक नाम लिया, मैं आपको बता दूं, रुद्र गुरु जी का समाज के गुरु है, और गुरु साहब अगर अपने समाज के साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या, किस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल अगर ये आरोप जो लगा रहे हैं, इनके पास कोई प्रमाण है? अगर एक फोटो कह रहे हैं कि आके यहाँ पर कैसे खड़े हो गए, अरे समाज के गुरु हैं, समाज के लोग अगर जाएंगे तो वो उनके साथ नहीं जाएंगे क्या, ये बताइए। तो जिस प्रकार का मैंने कहा ना, ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे। और किसी भी, मैं आपको कह दूं कि कानून का राज क्या खत्म हो गया इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में, ये अब लोगों को दिखना भी शुरू हो गया है। और जिस प्रकार से सरकार में बने रहने का ये एक मिनट भी हक नहीं है, इन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए पुनीत जी। लेकिन मैंने कहा ना कि ये राजनीति का विषय अभी नहीं है, मैं तो पहले शांति की अपील करता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल से। लेकिन ये दुखद पहलू है कि इस प्रकार की घटना के बाद आके इस प्रकार के, अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे ये आरोप लगाना कि यहाँ पर ऐसा हुआ हुआ, मुझे लगता है ये अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि समाज की इतनी तो मांग थी कि वहां पर जो घटना हुई थी उसमें जो आरोपी है, सही आरोपी को पकड़ लिया जाए। ये असंतोष फैला क्यों, इनको उस पे जाना चाहिए, तो ये उल्टा कांग्रेसियों पे आरोप लगाने में लग गए। मतलब पूरी तरीके से सरकार अपना ये मान के चल रही है, ये पूरी तरीके से फेलियर सरकार है। और कहते ना, ये साएं साएं सरकार, ये साएं साएं नहीं, ये आए बाएं सरकार है। इसे समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाए। तौकीर रजा साहब बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर रजा साहब, स्वागत है आपका। बलौदा बाजार में जो घटनाक्रम हुआ उसकी जुडिशियल इंक्वायरी आपकी सरकार करा रही है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले, और ऐसा लग रहा था कि कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद, ये जो भी राजनीति को समझते हैं वो ये समझ रहे थे कि इस पर पॉलिटिक्स होगी, और इतनी जल्दी होगी शायद इसका अंदाज़ा नहीं था, इतनी जल्दी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि कांग्रेस की साजिश थी, ये भी समझ से थोड़ा सा परे है। हालांकि लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बलौदाबाजार की जनता से मैं अपील करूंगा कि सौहार्द और शांति बनाए रखें। और रही बात जो भी इसके पीछे लोग हैं, जिस प्रकार से उग्र हुए हैं, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लोग उग्र हुए हैं उसके पीछे अभी जानकारी भी आ रही है, वो उस जानकारी के आधार पर, देखिए एक देश का बल्कि बहुत बड़ा पत्रकार समूह है, उसने भी इस बात को बाकायदा दिया है। और कल उसमें उसके इलेक्ट्रिकल जो अपना अखबार है उसमें, ईवी अखबार है, उसमें आ भी गया है। तो आप ये बता सकते हैं, ई अखबार में आ गया तो इससे बता सकते हैं कि समझ में आता है कि क्या स्थिति है, क्योंकि पहचानना शुरू हो गए हैं। अब हम लोगों ने उनको चिन्हांकित किया है और पहचाने हैं, और लोग ने वीडियो बनाया, उसमें भी वो पहचान में आ रहे हैं कौन किस प्रकार की हरकत किया है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो कार्रवाई अब करने हो जाएगी, तो हम तो करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं जनता से वही अपील करूंगा, किसी के बहकावे ना आए। और मैं तो देखिए गुरु, लेकिन आप तो सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा दे रहे हैं, गुरु आपके मंत्री जो है सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं का नाम ले दे रहे हैं, वो भी तब जब अभी जांच पूरी नहीं हुई। इंटेलिजेंस का फेल्यूअर है, ये यहां पर बात नहीं समझ में आती कि बहुत बड़ा फेल्यूअर है। क्या ये नहीं मालूम था कि कितने लोग जुटने वाले हैं? क्या ये नहीं मालूम था कि ये प्रदर्शन होने वाला है? और इंटेलिजेंस क्या करता है कि किस प्रकार का प्रदर्शन हो सकता है? नजर रखनी चाहिए थी, एसपी ऑफिस फूंक दिया जाता है, कलेक्टर ऑफिस फूंक दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि वहां कुछ ऐसा नजर ही नहीं आता कि कानून व्यवस्था नाम की चीज है, और अब जब इस पर सवाल उठ रहे हैं तो कांग्रेस को घेरा जा रहा है।
नहीं देखिए, उसमें दो लोग क्या, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भीम आर्मी जो है वो भी उसमें शामिल दिखी है, क्योंकि इसमें वीडियो में इनपुट मिले हैं कुछ लोगों ने, जो वीडियो बनाया उसी में वो शामिल दिख रहे हैं, उनके चेहरे दिख रहे हैं, लोगों ने जलाया है वो उनके चेहरे दिख रहे हैं, तो ये साबित हो रहा है ना। आप ऐसा किसी के बारे में कोई इल्जाम झूठा नहीं लगा सकता। अगर भाई अगर कोई ऐसा इल्जाम लगाएगा तो अलग बात, ठीक है जांच हो रही है, जांच जब होगी वो साबित होगा, अभी हम साबित नहीं कर रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जो इनपुट मिले हैं, और इनपुट से ये बताते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है कांग्रेस के लोगों ने किया और भीम आर्मी ने किया मिलकर। लेकिन किया ये बहुत हैरानी की बात ये नहीं है तौकीर रजा साहब, ये हैरानी की बात नहीं है कि ये इनपुट बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। देखिए बहुत गंभीर मसला है, इसके पहले छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी हुआ नहीं, और ये इनपुट का बहुत बड़ा फेलियर है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कोई खबर ही नहीं रहती है। नहीं बिल्कुल ये बात सही है, कहीं ना कहीं जो घटना हुई है अगर उसमें है वो जांच भी, इसलिए जांच हो रही है और उसके पीछे जो भी कारण है वो बिल्कुल उभर के सामने आएंगे, और जांच जुडिशियल जांच की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है, और अभी जांच जब होगी साबित भी हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, इसकी कड़ी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जा कम है, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लिया है वो गलत है, ऐसा कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और मैं यही अपील करूंगा, गुरु घासीदास बाबा सबके हैं, हम सबके हैं, आराध्य हैं, तो कम से कम ये चीज को अपने हाथ में ना लें, अगर कोई गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो झूठे गलत, आपको लगता है कि वो गलत लोग पकड़े गए हैं, तो जो उसके पीछे और भी लोग हैं वो भी, इसके पीछे भी कार्रवाई होती है, ऐसा किसी को लेकिन आप एक बार भी नाम नहीं ले रहे हैं, आपके मंत्री जी नाम ले दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे थे देवेंद्र यादव। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देवेंद्र यादव कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि तो कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि सतनामी समाज का कार्यक्रम, उसमें देवेंद्र यादव यादव नाम जोड़कर वो क्या कर रहे थे। तो आपको लगता है कि ये जो बात घुमाकर जोड़ने की कोशिश की जा रही है ये काम करेगी? देखिए समाज का कार्यक्रम था, उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन की अनुमति भी ली थी, विधिवत ली थी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अगर उन लोग शामिल किए तो उसको उकसाया गया। आप अभी उनके बयान भी, अभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स निकल रही है, आपको सामने सब सामने आ भी जाएगा, उन लोगों ने उनको उकसाया। देखिए जब कोई बहुत सारी भीड़ आई किसी पर्टिकुलर तबके की, यह समाज की रहती है, और खासतौर पर लोग जो है वो दलित रहते हैं, किसने उकसाया, उसको किसी प्रकार से थोड़ा सा भी कोई अगर उकसाया जाता है तो देखिए जनता को साफ होना चाहिए। वही तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस के और भीम आर्मी के लोगों ने उनको उकसाया है। अमित जी से जवाब ले लेते हैं, आप कह रहे हैं कि वीडियो सामने आया उकसाया, अमित जी ये वीडियो का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस और भीम आर्मी के लोगों ने उकसाया, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन जो है हिंसक हो गया। देखिए पुनीत जी कितना कॉन्ट्राडिक्शन है तौकीर भाई की बातों में, और सबसे पहले तो मैं अपने सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता से कहूंगा कि आपको तत्काल माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेसियों पे आरोप लगाने का आपको कोई हक नहीं है। और अभी आपने कहा कि वो लोग चिन्हांकित हो गए हैं, अगर चिन्हांकित वो लोग हो गए जो इन्होंने घटना कारित की है तो आपने अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, पहली चीज मुझको बताइए। अगर आपका फेलियर मतलब और बढ़ता है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो लोग साजिश में इन्वॉल्व थे और हमको दिख रहा है तो आपने उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मतलब आप हमारे नेताओं का इमेज को टर्निश करने का काम कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई सबूत है, गवाह है, एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई प्रमाण है, तो आप अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके मंत्रियों ने की थी ना, सार्वजनिक कर देना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा ना कि आपसे सरकार संभल नहीं रही है साहब, और आप कांग्रेसियों पे आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ भी होगा, और दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था कांग्रेस की तरफ से कराई गई थी, ये भी कहा गया दयाल दास बघेल के द्वारा। देखिए मैंने कहा ना, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है साहब, मैं भी आपके लोकप्रिय चैनल पे इनके चार नेताओं पे आरोप लगा देता हूँ, लेकिन आरोप लगाने के पास आपको प्रमाण देना पड़ता है। और मैंने कहा ना, ये तो विश्व का पहला ऐसा केस हो गया कि जांच अभी हुई नहीं, जांच से पहले ही भाजपा के मंत्रियों ने आके टीवी में फैसला सुना दिया। मतलब कहते हैं ना कि इस दौर में फैसले हमने वक्त ने हमने निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। मतलब आप ही जल्लाद बन जाइए, आप ही जज बन जाइए, आप ही वकील बन जाइए, सारा कुछ आप ही बन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए और कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगा दीजिए और इतनी सी कर दीजिए। अरे जिम्मेदारी लीजिए, शांति रजा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति से प्रेरित थी, विषय की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया और ऐसा लगा कि ये सीधा सीधा केवल कांग्रेस पर हमला बोलना ही है। रजा साहब देखिए एक चीज बता दे रहा हूं मैं कि
आप ये बता दे रहा हूँ, अमित भाई की बात मैं सुन रहा हूँ। देखिए, हमने अभी आरोपी आरोप लगाना और साबित करना अलग चीज है। जब जांच के आदेश हुए तो जांच में सब साबित होगा, तब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार में रहकर आरोप कैसे लगाए जा सकते? कर रहा हूँ रजा साहब, थोड़ा समझाइए रजा साहब। रजा साहब, आप ही की सरकार ने मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कहा है। आप सरकार में हैं, आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरे आप जांच करवाइए भाई, आरोप मत लगाइए ना। यही तो बता रहा हूँ, जांच अभी जो वीडियो सामने आया है वो दिख रहा है और जांच हो रही है और जांच होकर दिखेगा भी आपके सामने दो चार दिनों आपको। तो जल्दबाजी किस बात की है? इसके पीछे जो जल्दबाजी किस बात की है? जल्दबाजी कुछ नहीं, जो दिखा है बता रहा है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, वो दिख रहा है वीडियो को। अगर हैं नहीं रजा साहब, अगर हैं तो फिर ये सवाल अमित श्रीवास्तव जी का बिल्कुल जायज बनता है कि इस मामले में फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मामला बहुत गंभीर है। देखिए, गिरफ्तारी का मामला जब जुडिशियली जांच कर रही है तो वो जांच करने के नाम से हमने उनको वीडियो दिया है, वो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेगी। अब ये तो जांच आयोग करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो जांच आयोग बैठ गए हैं। अब वो कार्रवाई जब करेगा तो आपको वो भी दिख जाएगा। अभी तो हमने ये बताया है कि जो सबूत मिले, एविडेंस मिले हैं, जो क्लिप्स मिली है, वो इनके नेता है जो उनको उद्धृत कर रहे हैं, उनको उकसा रहे। ये बात दिखती है कि उन्होंने हरकत करी है, अब वो तो जांच आयोग उसके ऊपर कार्रवाई करेगा तो आपको सामने दिख भी जाएगा। हम कोई जांच आयोग तो नहीं है। जांच आयोग जो आप सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं, आप केवल आरोप लगा दे रहे हैं। अमित जी, नहीं, आरोप नहीं लगा रहे, हम वीडियो क्लिप भी दिए हैं और वीडियो क्लिप जांच आयोग के पास पहुंच चुकी है और जब कार्रवाई होगी आपके सामने वो दिख भी जाए। ठीक है अमित जी, मुझे लगता है पुनीत जी कि उनके आरोप मैं अभी सुन नहीं पाया था, लेकिन जिस प्रकार से इनके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है मैं अभी देवेंद्र यादव जी से भी बात करूंगा और जिनके ऊपर भी इन्होंने आरोप लगाया है निश्चित तौर पर हम उन मंत्रियों को कानूनी नोटिस देंगे। मानहानि की बात आप कहते हुए नजर आ रहे, लेकिन कुछ वीडियोस का जिक्र भी अमित श्रीवास्तव साहब किया जा रहा है। 10,000 लोगों के खाने की बात का मैंने जिक्र किया, जिसका मंत्री भी जिक्र कर रहे हैं कि 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी की गई थी, तमाम इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि इनके पास कोई प्रमाण है नहीं, कुछ भी आरोप लगा देना और अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये इनका कोई आज से इनका चाल चरित्र चेहरा नहीं है पुनीत जी, ये शुरू से ऐसे ही करते हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया था। दुनिया जानती है, जब देश में कहीं भी इस प्रकार की दुखद घटना होती है तो बाद में किनके किस पार्टी के नेताओं के नाम आते हैं, ये दुनिया जानती है। तो हमारे ऊपर ये आरोप जो लगाए हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, मैं आपके चैनल पे डिबेट करने के बाद निश्चित तौर पर मैं अपने साथियों से बात करूंगा, देवेंद्र यादव जी से बात करूंगा। और अगर जिस प्रकार का आप अभी मैं बाइट सुन रहा था, निश्चित तौर पे हम इन्हें लीगल नोटिस भेजेंगे। चलिए ठीक है, आप लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं, अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक पहुंचता है। लेकिन कल जब घटनाक्रम हुआ और उसके बाद कई चीजें सामने आई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मामले में राजनीति जरूर होगी, राजनीति हुई भी, और सीधे सीधे सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो कांग्रेस के ऊपर, जो विपक्ष में बैठी हो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें उन्हीं का हाथ था। देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ होता है, राजनीतिक रूप से बयानबाजी में क्या कुछ नजर आता है, और कांग्रेस जो कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है, क्या वाकई में वो कार्रवाई होती है? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।